नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल में हर सीजन चौके छक्के खूब लगते हैं। चौके और छक्कों की ये लीग है और बल्लेबाजों का इस लीग में बोलबाला रहता है, लिहाजा हर सीजन हमें सिक्सर किंग आईपीएल में मिलते हैं। इस टूर्नामेंट में वैसे तो सबसे ज़्यादा छक्के क्रिस गेल ने लगाए हैं, कोई आसपास भी नहीं है। क्रिस गेल के 335 छक्के क्रिस गेल ने अब तक आईपीएल इतिहास में लगाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और इसके लिए क्रिस गेल ने मात्र 127 आईपीएल पारियों का ही सहारा लिया है। इसके बाद ही एवी डिविलियर्स का नाम आता है, जिन्होंने 231 छक्के लगाए हैं आईपीएल में। पर क्या आपको पता है आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा छक्के अब तक किसने लगाए हैं? निकोलस पूरन। जी हाँ, निकोलस पूरन ने सबसे अधिक 22 छक्के लगाए हैं। ये आंकड़े हम आपको 38 मैचों तक का बता रहे हैं। सीजन अब तक खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए आंकड़ों में तब्दीली देखने को मिल सकती है। गौर हो, 10 मैचों में निकोलस पूरन ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए हैं और इस दौरान अपने बल्ले से 22 छक्के भी लगाए हैं। दूसरे नंबर पर हैं एवी डिविलियर्स। मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एवी डिविलियर्स ने आईपीएल के अब तक 10 मुकाबलों में निकोलस पूरन से 10 रन कम ही बनाए हैं, यानी कि 285 रन एवी डिविलियर्स के बल्ले से निकले हैं, पर 19 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं। इतने ही छक्के संजू सैमसन के नाम है। संजू सैमसन ने शुरुआती के दो मैचों में ही 16-17 छक्के लगा दिए थे, लेकिन इसके बाद से उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली। किंग्स इलेवन पंजाब का ये सीजन बेहद खराब रहा है, पर टीम ने बीते 3 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। प्लेऑफ में जाने के लिए पंजाब को सारे मुकाबले जीतने होंगे, जो थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, पर आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए 2 जीत की ज़रूरत है। अगर आप टूर्नामेंट के अंत तक सिक्सर किंग की बात करें तो शायद एवी डिविलियर्स बाजी मार ले, क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है और चांसेस भी ज़्यादा है। खैर, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन असली सिक्सर किंग आईपीएल 2020 में साबित होता है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।